गुरुग्राम के एमडीआई चौक पर आज किसान संगठन जो हैं अनिश्चितकालीन धरने के बाद अब आज एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च करते हुए पहुंचे हैं। एक पहले हम आपको दिखा दें, जो ये सड़क है ये गुरुग्राम को, जो गुरुग्राम का नेशनल हाईवे वहां से गुरुग्राम शहर की तरफ जोड़ती है, और दूसरी ओर जो सड़क दिखाएंगे सीधा नेशनल हाईवे NH-8 की तरफ जाती है। हालांकि किसान संगठनों ने आज तय किया था कि नेशनल हाईवे जो है उसको वहां जाकर जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, मगर गुरुग्राम पुलिस की जो चौकसी थी वो लगातार पूरे शहर में बनी हुई थी, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस ने किसानों को जो था रास्ते में ही रोक लिया। और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं रास्ते में रोकने के बाद की, वो हम आपको दिखा रहे हैं। किसान संगठन जो है गुरुग्राम आज पहुंचे हैं, अपने साथ ट्रैक्टर लेकर आए हैं, और काफी सारे संगठन हैं गुरुग्राम के। आप देख सकते हैं कि ये सभी गुरुग्राम के अलग अलग जो संगठन हैं वो सब एक होकर जो हैं गुरुग्राम के एमडीआई चौराहे पर पहुंचे हैं, जिनके यहाँ पहुंचने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इनको यहाँ रोक लिया था, और जो इनके ट्रैक्टर थे उनको भी यहाँ रुकवा दिया गया, जिस वजह से जिस तरीके से सीधे जा रहे थे उसकी वजह से जो था हाईवे जो था वो जाम हो सकता था, और हाई स्पीड व्हीकल जो है हाईवे पे होते हैं, और ऐसे में उन व्हीकलों से जो है एक दुर्घटना भी हो सकती थी। अब सामने साफ तौर पर देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। ये थे किसान संगठन, जिनके बीच में एक बार जनगण मन भी देखने को मिला। हम अपनी खबर आपको दिखा रहे थे और दिखाते हुए हम रुक गए, क्योंकि देश का जो राष्ट्रगान था वो चल पड़ा था और उसका सम्मान सर्वाधिक जरूरी है, तो ऐसे में खबर को बीच में रोकना पड़ा। मगर एक बार फिर से हम उसी खबर को लेकर आपके बीच आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि किसान संगठन जो है नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं, और नारेबाजी के तहत आप साफ तौर पर तस्वीरें देख पाएंगे कि किस तरीके से जो किसान संगठन है वो इससे पहले राष्ट्रगान यहाँ चलाया गया और वंदे मातरम के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि गुरुग्राम पुलिस के जो अधिकारी हैं यहाँ के, जो ये इलाका है वहाँ के जो SHO हैं सुधीर जी, वो भी मौके पर पहुँचे हैं और अपनी टीम के साथ यहाँ गुरुग्राम पुलिस खड़ी है और लगातार नज़र बनाए हुए है इस चीज़ पर कि कोई किसी प्रकार का जो उपद्रव है वो ना देखने को मिले। दूसरी तरफ हम आपको दिखा दें कि गाड़ियों का जो डाइवर्जन है वो भी डाइवर्ट जो है कर दिया गया है, और जो महिला पुलिस है गुरुग्राम की वो भी पहुंच गई है मौके पर, और जिससे कि जो किसान संगठनों के साथ अगर कोई महिला आती है और किसी प्रकार का उपद्रव अगर होता है तो उस स्थिति से भी जो है निपटा जा सके। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है देश का जो झंडा है वो उसको लगाकर ट्रैक्टर के ऊपर गुरुग्राम के इस सेक्टर 17-18 का जो चौराहा है MDI का, वहाँ जो है किसान संगठन पहुँचे हैं। और हम आपको बता दें कि जो ये किसान संगठन आज यहाँ गुरुग्राम में ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं, ये संगठन गुरुग्राम के राई चौक इलाके में बीते कई हफ्तों से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे थे और काफ़ी समय से वहीं बैठकर ही जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। मगर ऐसे में बीच में भी अब से तकरीबन 10 दिन पहले भी इन्हीं किसान संगठनों के द्वारा एक ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था, और उसके बाद इन्होंने उस समय भी एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो 26 जनवरी से पहले भी एक वो रिहर्सल ट्रैक्टर मार्च की करेंगे और 26 जनवरी पे एक बड़ा जो आंदोलन है वो देखने को मिल सकता है। हम आपको दिखा दें तस्वीरें, और भी तस्वीरें आपको दिखा दें कि कितनी लंबी ये रैली है, कितने लंबे जो ये ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से जो किसान पहुँचे थे, कितने जो ट्रैक्टर इसमें सम्मिलित हैं, कितने लोग हैं, वो भी हम आपको अंदाज़ा तस्वीरों के माध्यम से हो जाएगा। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो कतार है ट्रैक्टरों की, और गुरुग्राम पुलिस दोनों ही सड़क के दोनों ही ओर गुरुग्राम पुलिस की तैनाती कर दी गई है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने नेशनल हाईवे की तरफ जाने से पहले इन सभी जो किसान संगठन थे उनको रोक दिया था। अलग किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि वह इसी तरीके से, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, और ऐसा ही प्रदर्शन हालांकि
पंजाब हरियाणा के बॉर्डरों पर भी देखने को मिल रहा है, मगर गुरुग्राम से बीच बीच में जिस तरीके से ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो साफ होता नजर आ रहा है कि जो किसान संगठन है या फिर जो किसान है वो इस बात का पूरे तरीके से मन बना चुके हैं कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ फैसला इनकी इन मांगों को लेकर लेती है। जिस तरीके से ये पूरा जो मामला है अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ले लिया गया है, मगर उसके बावजूद भी किसान संगठन जो हैं अपनी जो जिद है उस पर अड़े हुए हैं और साफ करते नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह जो काम कर रहा है वो करने दे, उसका हमेशा उसका आदर है, मगर जो सरकार की तरफ से इस कानून को जो बनाया गया तैयार किया गया उस कानून की कानून में जो है बदलाव नहीं चाहिए बल्कि इस कानून को पूरे तरीके से रद्द किया जाए। फिलहाल गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।